दोस्तों, जिलेवार पदों की संख्या जारी हुई है, जिस पर हम बात करेंगे कि ये जो सच है या झूठ है, ये वाकई में क्या एग्जैक्ट पद हैं जो आपको लिस्ट वायरल हो रही है, क्या ये सच है, और कहाँ से आप ये पद जो है देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं आप कि ये पद कहाँ पर अवेलेबल हैं, कितने पद हैं और कितने पदों पर भर्ती होगी, ये सब जानकारी हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप इस लिस्ट को निकाल सकते हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ के पद हैं। तो इन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण जानकारी एमबी परीक्षा ऐप के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए, या मध्य प्रदेश में सीटीईटी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल की जो परीक्षा है, इसके अतिरिक्त एमपी टीईटी जो होने वाली है ग्रेड 3, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है GURMGOV40। इसका यूज़ करके आप 40% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 40% की छूट आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट करेंगे, पेटीएम वगैरह जिस भी मेथड से आप पेमेंट करेंगे टेस्ट सीरीज को परचेस करते वक्त, तब आपको इसका पेमेंट करना, इसका यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की एक लिस्ट वायरल हो रही है, काफ़ी सारे यूट्यूब के हमारे चैनल पर जो लोग हैं उन्होंने भी वीडियोज़ इस पर बनाए हैं, और मुझे लगा कि मुझे भी इस पर वीडियो बनाना चाहिए, जिसमें यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, 0 टीचर स्कूल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टीचर्स रिक्वायर्ड यहाँ पर आपको एक कॉलम में दिखाई दे रहा है, फिर अनदर कॉलम में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 टीचर स्कूल्स, यानी कि 1 टीचर वाले स्कूल्स कितने हैं, टीचर रिक्वायर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर 2 टीचर्स स्कूल, फिर यहाँ पर टीचर्स रिक्वायर्ड, और टोटल टीचर्स रिक्वायर्ड जो आपका कॉलम है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अलीराजपुर में 137 टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये ट्राइबल डिपार्टमेंट का डेटा अभी हम देख रहे हैं मिडिल स्कूल टीचर के लिए। दोस्तों, ये डेटा आप भी देख सकते हैं, डेटा चूँकि एजुकेशन पोर्टल पर अवेलेबल है मध्य प्रदेश सरकार की, इसलिए इस डेटा के बारे में अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये फर्जी है, फेक है, डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डेटा अपडेटेड नहीं है, शायद इसमें अभी अपडेटेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादातर पद अभी अपडेट नहीं हुए हैं, और ये डेटा जो MPTET में भर्ती के लिए बनाए गए जो पद हैं उनके से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटा गेस्ट फैकल्टी पोर्टल से लिया गया है, इसलिए इस डेटा को हम MPTET में जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, क्योंकि जो MPTET के पदों पर जो भर्ती होगी वो गेस्ट फैकल्टी के पद पर भी भर्ती होगी। यहाँ पर उनमें बताया जा रहा होगा ये कि जहाँ पर गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं, तो उस पद को ये नहीं दिखा रहा है, सिर्फ उन पदों को दिखा रहा है जहाँ पर गेस्ट फैकल्टी कार्यरत नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल पर जाना है। एजुकेशन पोर्टल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है एजुकेशन पोर्टल होम पर, और एजुकेशन पोर्टल होम पर जाने के बाद आप नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे एक गेस्ट फैकल्टी वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर सर्विसेज वाले ऑप्शन में ये दिख रहा है, ये आपको GFMS पोर्टल पर नहीं दिखेगा, ये आपको एजुकेशन पोर्टल पर ही दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है मंथली टास्क, टीचर्स, और इसके अतिरिक्त कई सारी यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर नीचे RTI एंड ट्रांसपेरेंसी में आपको यहाँ पर ये सेक्शन मिल रहा है, तो ये देखिएगा स्टेटस ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टीज़ PSLMS रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स इन प्राइमरी मिडिल स्कूल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ डेटा शो करा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम टीचर्स फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट प्राइमरी मिडिल स्कूल्स इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर कहा जा रहा है नीड ऑफ रिपोर्ट एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिनिमम 2 टीचर्स आर टू बी पोस्टेड इन एवरी प्राइमरी स्कूल एंड 3 टीचर्स इन मिडिल स्कूल, मतलब मिनिमम 2 टीचर्स तो प्राइमरी स्कूल में पोस्ट करना पड़ेंगे,
और तीन टीचर मिडिल स्कूल में पोस्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। एवरी मंथ टीचर्स आर रिटायरिंग, क्रिएटिंग न्यू वैकेंसीज, द मैनुअल सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस, द एडमिनिस्ट्रेटर्स डिड नॉट हैव नीड लाइव एंड अपडेटेड डेटा ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस स्कूल्स टू प्लान द रिक्वायरमेंट एंड ट्रांसफर। दिस रिपोर्ट फैसिलिटेट्स द लाइव पोजिशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिक्वायरमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको यहाँ से लाइव जो है रिक्वायरमेंट की जानकारी मिलेगी कि कहाँ पर हर महीने टीचर जो है रिटायर हो रहे हैं, नई वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए इस पोर्टल को डेवलप किया गया था। वहाँ कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए हैं लेकिन उन्होंने इस बात पर जानकारी नहीं दी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कैलकुलेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स इन स्कूल, तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट के माध्यम से टीचर्स, यहाँ पर आपको पता होगा एक जनजातीय कार्य विकास विभाग की भर्ती हुई है, मतलब दोनों की परीक्षा तो इकट्ठा हुई है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। जनजातीय कार्य विकास विभाग अपनी अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने अलग करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो है जनरेट रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स इन मिडिल स्कूल, इस पर क्लिक करेंगे तो मिडिल स्कूल में टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जन यहाँ पर आपको प्राइमरी में चाहिए तो यहाँ पर प्राइमरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी। चलिए हम मिडिल स्कूल में देखेंगे तो मिडिल स्कूल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। एक ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर ये लिस्ट आपको शो हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं सारी की सारी जानकारी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है तरीका किस तरीके से आप भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। इस लिस्ट पर विश्वास मत कीजिएगा, ये लिस्ट फेक मानी जाएगी। फेक यानी इसको ऑथेंटिक नहीं बताया जाएगा। MPTET के लिए जो यहाँ पर बताया गया है गेस्ट फैकल्टीज़ के लिए वो ठीक है, बट यहाँ पर MPTET के लिए स्पेशली ये फेक है, क्योंकि MPTET में जो भर्ती होगी उसके लिए पदों का नए तरीके से सृजन हो रहा है। और जो टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग का जो पोर्टल दोस्तों यहाँ पर है, मैं आपको बता दूँ, ये देखिएगा MP ऑनलाइन पोर्टल पर जो पोर्टल बना हुआ है, इसमें जैसे कि अगर हम बात करें तो टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग का जो पोर्टल बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ एक दोस्तों, ये आप एक्सेस कर पाएंगे हमारी वेबसाइट के माध्यम से। अगर MP ऑनलाइन पर आपको इसकी लिंक नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आपको इस ये जो अलग से एक पोर्टल बना दिया है वेबसाइट पर, तो इस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी भर्ती के बारे में। अतिथि शिक्षक पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, शिक्षक नियोजन पोर्टल, तो शिक्षक नियोजन पोर्टल हमें देखना है। तो ये देखिएगा ये टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग का जो पोर्टल है, इस पर जब डेटा आएगा, मतलब ये डेटा जो है ना अभी अपडेट किया जा रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के द्वारा, अलग अलग जो प्राचार्य हैं उन सबके द्वारा, अपने अपने स्कूल के जो डाटा सेंटर है, हम बात करें वहाँ के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो इसको कर रहे हैं अपडेट, स्कूल वाइज वैकेंसीज को अपडेट कर रहे हैं, DEO अपने जिला स्तर से इसको वेरीफाई कर रहे हैं कितनी वैकेंसीज हैं। ये सारा डेटा जो है जब वेरीफाई हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ऑथेंटिकली आपके सामने कितनी वैकेंसीज हैं इसकी जानकारी लग जाएगी। हाँ, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, ये मैं आपको बता दूँ, 60,000 प्लस वैकेंसीज हो सकती हैं, 70,000 ओवरऑल वैकेंसीज मिला के, बट कुछ ही वैकेंसीज पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है। तो काफ़ी सारे वैकेंसीज जो हैं अभी रिक्त रहेंगी, जिन पर अगर हम बात करें वैकेंट ही रहेंगी वो, तो उन पर अभी जो है अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो अभी हम बात करें कि तो नेक्स्ट कुछ महीने, कुछ सालों में, जैसे कि अभी ये परीक्षा के बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी, तो कुछ सालों में अगर हम देख सकते हैं 2 वर्ष 3 वर्ष में हो सकता है ये सरकार फिर से नई भर्ती निकाल देगी, जिससे कि अन्य जो है कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी मौका मिल पाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू वेरी मच।